हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बात करेंगे HFCL शेयर के बारे में। 60 रुपये से आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एंड फ्रेंड्स, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आए हैं एंड दोनों की दोनों गुड न्यूज़ हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि 5G के आते ही ये शेयर आपको यहाँ से डबल होता दिखने वाला है। और उसके साथ ही फ्रेंड, जो गुड न्यूज़ निकल के आई है, तो आप समझेंगे कि कंपनी कितना अच्छा सोच रही है अपने बिजनेस मॉडल को लेकर और अपने एम्प्लॉयज़ को भी लेकर। तो फ्रेंड्स, दोनों के दोनों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको ओपन करके लेमन लैंग्वेज में इजीली समझा दूंगी। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। तो फ्रेंड्स, शेयर्स कितने अलॉट हुए हैं, किसको अलॉट हुए हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस डॉक्यूमेंट के ओपन होने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट है, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स इन लियू ऑफ स्पोर्ट्स वेस्टेड अंडर द HFCL एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव। तो फ्रेंड, जो HFCL के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म इंसेंटिव के तौर पे शेयर मिले हैं, और वो भी कितने, 11,74,100 इक्विटी शेयर्स हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ वन ईच। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने दिए हैं HFCL एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट को, अपने एम्प्लॉयज़ को, एज अ बेनिफिट ऑफ द HFCL एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान। तो फ्रेंड, इनका एक प्लान था, 2017 में आया था, उसी के अकॉर्डिंग इतने इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज़ को मिले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उससे कंपनी की जो स्टैंड अलोन है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं, ये भी इन्होंने मेंशन किया है। पहले था 137,658,421, अब हो गया है 137,775,823,21। तो फ्रेंड्स, ये भी बढ़ गए हैं। तो ये जो शेयर्स अलॉट हुए हैं HFCL एम्प्लॉयज़ को, इन्हें फ्रेंड्स HFCL एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान के अकॉर्डिंग मिले हैं। तो ये फर्स्ट न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ भी खोल लेते हैं फ्रेंड्स। इनको एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर से रिलेटेड है, आपको बताऊंगी किस सेक्टर का इन्हें ऑर्डर मिला है और कितने अमाउंट का इन्हें ऑर्डर मिला है। तो फ्रेंड, आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं HFCL लिमिट्स बैग परचेस ऑर्डर 73.39 करोड़ का फ्रेंड्स इन्हें ऑर्डर मिला है। दो चीज़ों का, एक सप्लाई करना है इन्हें अनलाइसेंस बैंड रेडियो, और सेकंड है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो डाइवर्सिफिकेशन करके भी बता देती हूँ कि 73 करोड़ में से 51 करोड़ का इन्हें मिला है अनलाइसेंस बैंड रेडियो का, और फ्रेंड्स 22 करोड़ के अराउंड इन्हें मिला है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, दोनों की दोनों गुड न्यूज़ शेयर को काफ़ी स्ट्रांग बनाती है। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि टेलीकॉम मिनिस्टर सेज 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हैपन इन अर्ली जून, एंड फ्रेंड्स इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रोल आउट द इंटेजिनस 5G टेक्नोलॉजी बाय द अगस्त 2022। तो एक तो 5G आने वाला है, उसके बाद इस कंपनी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती दिखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इस कंपनी में रिलायंस का भी 4.99% का स्टेक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये दो ऑर्डर इन्हें और मिल गए हैं, और ऊपर से इन्होंने 11 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो फ्रेंड्स, शेयर अपने में काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी अपने में काफ़ी स्ट्रांग है। तो जिन लोगों ने भी ये शेयर को ले रखा है, अभी करेक्शन चल रहा है, अभी 60 रुपीज़ पे आया हुआ है, बट फ्रेंड्स पोटेंशियल 60 वाला नहीं है, बहुत ही जल्दी 100 रुपीज़ क्रॉस करते देखने वाला है, होल्ड कीजिए।